किशोरावस्था में समाजीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं ना। समाजीकरण की यह अवस्था क्या है? जटिल अवस्था है। आगे लिखेंगे, समक्ष मित्रों, हाँ, समक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करता है। समक्ष मित्र समूहों के साथ, नहीं देखते हैं किशोर बड़ा हो जाता है, इंटर के लेके क्या कर लेता है, मित्र बना लेता है, दस गो गैंग बना के मास्टर को पीट देता है, बस तो पीट दीजिएगा समझे, तो इंतजार कर रहे थे मोटरसाइकिल, हाँ तो आप लोग हाई स्कूल का टीचर बनिएगा ना, चाहे स्कूल का टीचर मत बनिएगा, मत मारिएगा किसी बच्चा को, मत ऐसे कीजिएगा, नहीं तो गैंग उसका मारने लगेगा। तो वहीं कह रहा है गैंग की जो भावना उसमें उत्पन्न होती है, समूह की किशोरावस्था में उत्पन्न हो रही है, ठीक है। क्या लिखे आप लोग? समक्ष, वो अपने समक्ष मित्रों को बनाता है एवं समूह का, समूह के समय साथ समायोजन करता है, समायोजन करता है। आगे लिखेंगे, सामाजिक सूझबूझ का विकास, मतलब टॉपिक है आपका किशोरावस्था, लाल से लिख लिए किशोरावस्था, उसमें आप लिखते रहिए, ठीक है, समझे। लिखेंगे सामाजिक सूझबूझ का विकास, आत्मविश्वास का मजबूत होना, उसमें आत्मविश्वास भी मजबूत होता है, आत्मविश्वास, सामाजिक सूझबूझ का विकास हो गया कोमा, सामाजिक सूझबूझ का विकास भी इसी में होता है। अब आगे लिखेंगे, हाँ, आत्मविश्वास का मजबूत, आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा आत्मविश्वास का मजबूत होना तथा विषम लिंगी के प्रति आकर्षण का भावना, विषम लिंगी, लिंगी के प्रति आकर्षण का भावना, नहीं सुनने में आता है। देखिए जो इतना भूत लड़का रहता है ना, हम जो भूत वो मित्र बनाने का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक बोलता है मंद बुद्धि के बालक हमेशा मित्र बनाने का चेष्टा करता है, हमसे कहीं गवारे में रहता है, समझे। आपके जैसा मतलब बालक क्या करता है किशोरावस्था में, सूरजवान सिंह जैसा क्या करता है, गैंग बना लेता है, आगे लिखेंगे। जोजेफ का मानना है, जोजेफ का मानना है कि क्या बच्चे अपने समूह में खुश रहते, अधिकांश किशोर ऐसे मित्र बनाना चाहते हैं कि जिन पर विश्वास किया जा सके, हाँ बनाना चाहते हैं कि जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन की बात किया जा सके, समझे। छोटू कहते हैं तुम काहे व्यस्त रहता इतना, तुम जिसका खुले मन पर विश्वास,
अधिकांश किशोर ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके, जिनसे खुले मन की बात किया जा सके। चलिए तो हम लोग सुनेंगे खुले का सिद्धांत को, हम लोग लिखेंगे। इस सिद्धांत को स्वदर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है, लिखेंगे। स्वदर्पण मतलब स्वयं को देखना, वही ना बात हुआ। कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, जो बात आप लोग जानते हैं ना उसको हम लोग मतलब इस भूल भुलैया की तरह बताते हैं ताकि आप लोग सोचे। नहीं नहीं, चलिए, स्वदर्पण का मतलब खुद को देखना, खुद को स्वयं को अपने उसमें झांकना, मैं कैसा देखेंगे। कूले के अनुसार बालक का समाजीकरण, कूले के अनुसार बालक का समाजीकरण, कूले के अनुसार बालक का समाजीकरण सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। आगे लिखेंगे, दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं जैसा दर्पण के सामने हाँ खड़े होने पर हम स्वयं को जैसा दिखते हैं, हम स्वयं को जैसा दिखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। दर्पण के सामने खड़े होने पर हम स्वयं को जैसा देखते हैं उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इन विचारों से हमारी भावनाएं, हमारे संवेग, दृष्टिकोण, मूल्य आदि प्रभावित होते हैं। आगे एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, कूले ने समाजीकरण में प्राथमिक समूह को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। प्राथमिक समूहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। समूहों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, जैसे परिवार, पड़ोस, खेल समूह, समूह को प्राथमिक जो समूह है उसको महत्वपूर्ण माना है। खेल समूह, विद्यालय, लिखिएगा इसमें, ये मानव स्वभाव की विकसित करने की नर्सरी है। इसमें
नीचे ए मानव जितना आप लोग लिखे विद्यालय पास पड़ोस, ये मानव स्वभाव के विकसित करने की नर्सरी है, लिखा जाए ए मानव स्वभाव के विकसित करने की नर्सरी है। बिल्कुल हम लोग पढ़ रहे हैं दुर्खिम का सिद्धांत, ठीक है। दुर्खिम का क्या मत है? प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल आदर्श, भाव, विश्वास, मानक संस्कार तथा मान्यताएं समझ रहे हैं, उसका काम नहीं है जो समाज में हो, मान्यताएं नहीं, परिचालन चल रहा है शुरू से, बिल्कुल हाँ एकदम सही आप, प्रचलन में होती है, वे उनके अनुसार ही व्यवहार करना सीखते हैं, वे उनके अनुसार ही व्यवहार करना सीखते हैं। वे वहाँ पे, यहाँ पे वे इंडिकेट कर रहा है बालक को, ठीक है ना, वे का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बालक, बिल्कुल समझदार हो गए आप लोग, सीखते हैं बालक के, बालक इनके अनुसार ही व्यवहार करना सीखते हैं, इसमें क्या है, हां बालक के लिए जैसे बालक के बारे में पढ़ाई हो रहा है, बहुत ऐसे बालक होते हैं जो नहीं समझते, इसके लिए सब के लिए, सब तो उसी से। अब आगे लिखा जाए मिड का सिद्धांत, मिड अच्छा आप लोग पढ़ रहे थे मिड डे मील भोजन कब शुरू की गई थी, मिड डे मील 95 से भूल जाते हैं आप, बहुत कुछ उसमें घटनाएं हैं। पक्का पकाया भोजन कब से, तमिलनाडु, बस तमिलनाडु उतना ही है, पक्का पकाया कब, बिल्कुल इसको सुनेंगे मीट का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। नहीं नहीं ये मीट का सिद्धांत है, मील उधर समाप्त हो गया है आपका, फिर दोबारा पढ़िएगा उसमें। मिड डे ने समाजीकरण की व्याख्या आत्मा चेतना सिद्धांत के आधार पर की है, ठीक है। इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, मिड के सिद्धांत को मैं और मुझे का भी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। आप ध्यान से साथ नहीं सुनते हैं, इधर उधर ध्यान भटकाते रहते हैं, सुबह में योगा होगा कीजिए फायदा करेगा। आप कलम रखिए और मेरे बोर्ड पर ध्यान सुनिए, समझे, आपसे नया आया है मैंने छोटू, आपसे देख रहे हैं एक्टिव है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि मतलब सुनिएगा ना, बहुत सारे चीज़ लिखने से भी नहीं होता, बहुत सारे चीज़ क्या होता है, सुनने से भी होता है, ठीक है ना, सुनने से ना आपको याद पड़ता है कि नहीं, क्लास में बात सुने ध्यान में जाता है डायरेक्ट। आप लिखे हैं, लिखना भी चलिए, बहुत सारी बात को लिखा जाता है, लेकिन सुनने से बहुत फायदा होता है, बहुत, ठीक, आधा याद होता है। तो आप जब भी हम बोलेंगे तो आप बोर्ड पर ध्यान देके सुनेंगे, हाँ, जो सुनता है हम पहले बोल देते हैं, जो बालक बढ़िया से सुनता है उसको लिखने में दिक्कत नहीं होता, नाम लिखने जा रहा है, समझे, तो सुनेंगे। दुर्खिम का मिड डे का जो सिद्धांत है उसमें ये बोला जा रहा है कि मैं और मुझे के सिद्धांत भी से कहा जाता है, ठीक है। मिटे समाजीकरण में भूमिका को निर्वाह को महत्वपूर्ण माना है। इनका ये मत है कि बालक धीरे धीरे यह समझने का प्रयास करने लगता है कि उसकी बातें तथा व्यवहार का अन्य लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मिड्डे का मतलब ये कह रहा है कि बालक धीरे धीरे जिस तरह वो बड़ा होते चला जाता है तो वह जाने लगता है कि जो हम बोल रहे हैं हमारा व्यवहार लोगों के प्रति कैसा है, सोचने समझने लगता है। इसी के साथ उसका स्व का विकास,
यानी कि मैं का विकास, मैं मतलब हम कहाँ तक विकास कर रहे हैं वो सोचने की समझ मतलब करता है, आप कहता है कि मेरे प्रतिनिधियों पर विचार क्या है। हाँ हाँ उसी से इसको होता है कि हाँ हम कैसे विकास में रह रहा है खुद अपना। सात स्व का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसका मैं का विकास प्रारंभ हो गया, ठीक है। यह लोगों के व्यवहार का अनुकरण करना भी प्रारंभ कर देता है, तो इस प्रकार उसके धीरे धीरे मैं की भावना विकसित होने लगी। इसे समाजीकरण की गति बढ़ती चली जाती है, परंतु आगे चलकर उसमें मुझे का विकास होने लगता है, ठीक है ना। सामाजिक परिस्थितियों पर अधिक प्रभावित होने लगता है, मैं तथा मुझे का संयुक्त रूप ही स्व है, मी, हाँ आई एंड मी, नहीं समझे का रूप क्या है, स्व है। मुझे की अवधारणाओं के विकास की अवधि में देखिए आप लोग पढ़ेंगे ईद अहम जो है उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना, सुपर ईगो में, ठीक है। मुझे अवधारणाओं के विकास में बालक विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखता है, इस प्रकार मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक है, जिस प्रकार क्या है वंशानुक्रम और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक, उसी तरह मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक है। समझा रहे हैं मैं से ही व्यक्तित्व के हम मैं से ही व्यक्तित्व के अहि संकित अहन शक्ति का विकास होता है, मैं में परिमार्जन मुझे द्वारा होता है, ठीक है ना। मैं में परिमार्जन जो है मुझे द्वारा होता है, मुझे के प्रभाव के कारण लोगों के व्यवहार में जहाँ समानता आती है वहीं मैं के कारण उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। सापेक्ष में मीड के अनुसार समाजीकरण की भूमिका निर्वाह की विभिन्न परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण है, जो कि आगे बताया गया है, तो आप ये लोग इसको लिखने का काम करेंगे, लिखिए। मीड ने समाजीकरण